नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैफ लीगल लीगल चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसके बारे में आज मैं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको वार्निंग देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैं जो आज बना रहा हूं इसको किसी अलग रूप में मत ले लीजिएगा, वरना आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, ये बैकफायर भी कर सकता है आइडिया जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें एक कड़वी सच्चाई है कि कई लोग इतने ज़्यादा तड़पाए गए हैं रिश्ते में, इतने ज़्यादा तड़पाए गए हैं कि वो ना चाहते हुए भी बिना सोचे समझे लिव इन रिलेशनशिप में अपने तलाक के मैटर को अंडर प्रोसेस, अंडर पेंडेंसी रखकर कोर्ट के अंदर और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर घबराने लगते हैं जब कभी या तो उनकी बीवी को शक हो जाता है या पता चल जाता है कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन तो मेरी बीवी नहीं ले लेगी। आज के दिन हम इसी मुद्दे पर आपसे आज रूबरू हो रहे हैं, आज मुखातिब हो रहे हैं, बात करेंगे इस टॉपिक पे। क्या मेरा कोर्ट में केस अगर पेंडिंग है तो मैं क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता हूँ? क्या मुझे सजा होगी? क्या मुझे कोर्ट की तरफ से कोई कठिन कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा? क्या मेरी बीवी मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है या फिर मैं किसी तरह की और किसी परेशानी में फंस सकता हूं, या फिर फायदे क्या है? दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अगर रेगुलर आते रहते हैं, अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लास्ट में वीडियो अच्छा लगता है और आपके फायदे का है, आपको फायदा देता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, या फिर आपको अपने कोई विचार हैं जिनको आप प्रकट करना चाहते हैं, कोई सवाल है छोटे से तो बिल्कुल पूछें। पर बहुत सारे दोस्त अब अपना पूरा केस वहां डिस्कस करके छोड़ देते हैं या लिखकर छोड़ देते हैं, मेरे लिए संभव नहीं है भैया। Q&A में भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस नहीं इन्वॉल्व करूंगा, ये आपके पेड काउंसलिंग का ही पार्ट रहेगा या फिर आप लीगल लीगल सर्विसेज जो कि वो भी पेड सर्विसेज हैं उनमें जाकर ही आप ये काउंसलिंग, ये कंसल्टेंसीज ले सकते हैं। छोटे सवाल हैं, वाजिब सवाल हैं, इंस्टेंटली आपको कोई जवाब चाहिए तो मैं Q&A सेशन में हर संडे को इनको ले सकता हूं। पर पूरा केस आपको डिस्कस करना है, आपने उस बात का मतलब दूसरा निकालना शुरू कर दिया है तो क्षमा करें दोस्तों, मैं इस तरह के क्वेश्चंस नहीं लूंगा। आप कमेंट सेक्शन में इतनी लंबी लंबी कहानियां ना लिखें, आपके लिए भी तकलीफदायक होगा जब मैं आपको ये बात कह रहा हूं, पर मेरी मजबूरी है, वीडियो में मैं छोटे और रेलेवेंट क्वेश्चंस ही ले पाता हूं। आज के मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, आज का मुद्दा इंटरेस्टिंग भी है और जरूरी भी है। लिव इन रिलेशनशिप को वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही एक एक्सेप्टेंस दे दी थी और देखा जाए तो बहुत पहले से, पौराणिक काल से रिलेशनशिप लिव इन में चले आ रहे हैं और कई हमारे सेलिब्रिटीज भी हैं, यहाँ तक कि कई लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं जब या तो वो अपने रिश्ते को लेकर संजीदा नहीं होते या फिर उनका पार्टनर जो है वो उनको उतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ एक जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है, मैं किसी भी तरह के इस रिलेशनशिप को प्रमोट करने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा गया था, जानकारी चाहिए थी लोगों को, इसलिए मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप समझें। देखिए, होता यह है कि वाइफ पहले क्या क्या नुकसान आपको दे सकती है या हस्बैंड आपको क्या क्या नुकसान दे सकते हैं। पहली चीज तो यह है, रिलेशनशिप बनाने से पहले आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेक्स से ही संबंधित है, एक तरीके से शारीरिक संबंधों से ही जोड़ा जाता है इस चीज को, क्योंकि सिर्फ किसी के साथ रह लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे ज्यादा पड़ता है कि हम उसके साथ शारीरिक रूप से भी संभोग करने लगे हैं। दोस्तों, असल में कुदरतन हमें, कुदरत ने ही एक न्याय दिया है कि हम एक या एक से ज्यादा अपने लिए यौन संबंध बनाने के लिए पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और उस नेचुरल जस्टिस का यानी कि कुदरतन न्याय की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं हमारा कोर्ट, वो आपको कभी मना नहीं करता है। इसीलिए 497 को अब वैलिड बना दिया गया है, उसके अंदर जितना हल्ला कटा था, बहुत शोर मचा था कि साहब ये तो अनैतिक संबंधों को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है, सब कुछ है, पर कोर्ट का तर्क इसके पीछे ये है कि पहली चीज तो इसको अपराध की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता, जैसे रूल्स बदलते फैशन के साथ आप ट्रेंडी कपड़ों के साथ नहीं रह सकते,
पुराने स्टाइल के साथ नहीं रह सकते, आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, उसी तरह से रोज आप दाल रोटी नहीं खा सकते या रोज आप सिर्फ और सिर्फ मिठाई नहीं खा सकते। तो उस वजह से वहां जब आप टेस्ट चेंज करते हैं तो इसी तरह से ये टेस्ट चेंज होता है। दूसरी चीज, एक मजबूरी है कि आप में से कोई भी पति या पत्नी एक समस्या बन जाते हैं एक दूसरे के लिए, कि कोई ना कोई या तो सेक्स में अरुचि रखता है या फिर दूसरी संबंधित समस्या ये खड़ी हो जाती है कि अगर नहीं रखता है रुचि तो फिर वो किसी तरह से वो काबिलियत खो देता है जो कि उसके पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकती है। तो ऐसी सूरत में व्यक्ति पर एक तरीके की क्रूअल्टी, एक तरीके का अत्याचार शुरू हो जाता है, तब वह पूरी जीवन इस तरह के संबंधों में रहने के लिए अपने आप को असमर्थ मानता है। तो इसलिए ये फ्रीडम 497 के कानून में बनाया गया। ये अलग बात है कि हम पुरुषवादी समाज में रहते हैं और वो इस तरह की एक्सेप्टेंस औरतों को नहीं देता कि वो किसी तरह के रिश्ते में रहते हुए एक नया नाजायज संबंध बनाए और उसके बाद पति इस पीड़ा को भुगते, क्योंकि ज्यादातर हमारी सोच यही है कि पत्नी प्रॉपर्टी होती है। ये मेल्स की, हमारे समाज में पुरुषों की एक सोच होती है कि पत्नी प्रॉपर्टी होती है, जिसपे भी सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं शायद अब तो 3 जजमेंट्स आ चुके हैं कि वाइफ इज नॉट अ चैटल, वाइफ इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, यानी कि वो उसको हक और अधिकार में नहीं रख सकता, जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार वहां पर है। परंतु वाइस वर्सा यही चीज पत्नी पर भी लागू होती है। इस बात को समझाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा फ्रीडम पत्नी को मिल जाता है 497 में, बिल्कुल नहीं। इसमें पूरा फ्रीडम मिलता है पति को भी, अगर वह ये सोचता है कि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, या पत्नी ये सोचती है मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी क्या मैं किसी और व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और मैं उसके साथ जाके अपना जीवन भी व्यतीत कर सकता हूँ, तो हाँ एक तरीके से तो ये जायज ही है। पर इसके अंदर एक क्रूअल्टी का ऑप्शन आ जाता है, पति हो या पत्नी हो आपको तलाक मिलता है। एक जरूरी चीज और बता देता हूं आपको मैं, इस वक्त अगर कोई संतान उत्पत्ति हो जाती है या किसी तरह से आपके इस रिलेशनशिप के बारे में बच्चा पैदा होने के बाद आपके स्पाउस को पता लग जाता है, तो इसके लिए अगर आप पिता हैं तो आपको उस बच्चे का भरण पोषण देना पड़ेगा, मगर उस बच्चे को इस केस में किसी भी तरीके से आपका अपोजिट स्पाउस, किसी भी तरह से आपके ओपोनेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते आपके खिलाफ। बच्चा हो जाना कोई अपराध नहीं है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। जैसे पूर्व पति या पत्नी से आपका बच्चा है, वैसे ही इस पत्नी या पति से आपको अगर बच्चा होता है तो उतना ही मातृत्व आपको देना है अगर माता है, और उतना ही पितृत्व आपको देना है जो कि मेंटेनेंस के रूप में रहेगा टेक्निकली, तो आपको वो सब चीज़ें उसको देनी है और भरण पोषण का अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार। और समझ लीजिए कि दोनों पत्नियों के उत्पत्ति जिन संतानों से हुई है वहां पर किसी भी एक संतान का अब आपकी प्रॉपर्टी पे राइट नहीं रहेगा, दोनों की हिस्सेदारी बराबर हो जाएगी। हाँ, संपत्ति का अधिकार ये जरूर कहता है कि आप दोनों संतानों में से किसी एक को खारिज कर सकते हैं या दोनों को खारिज कर सकते हैं कि अपनी संपत्ति ना दें पिता रहते हुए, माता रहते हुए भी अधिकार आपके पास है, पर मुद्दा सिर्फ यह है कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की हकदार हो जाती हैं तो आप भी इस तरह के हिस्सेदारी को सेम तरीके से यूज कर सकती हैं संपत्ति के अधिकार के तहत। आपके पति या पत्नी के पास एक ऑप्शन आ जाता है जो कि आप उसको छोड़कर संबंध स्थापित कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो वो क्रूअल्टी मानी जाती है उसके ऊपर। और इसको किसी भी हालत में लिव इन रिलेशनशिप ना मानते हुए वैवाहिक संबंधों के हिसाब से इसको अडल्ट्री या इनफिडेलिटी यानी कि बेवफाई के रूप में मान लिया जाता है, और इस आधार पर आपके स्पाउस को तलाक का अधिकार मिल जाता है। इससे अधिक कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं की जा सकती। कई लोगों ने इस चीज़ का रूमर फैला रखा है कि साहब आप जेल चले जाएंगे, यानी कि वो बिल्कुल वैसा बना देते हैं उसको जैसे कि आप रिश्ता बना रहे हैं किसी के साथ और शादी कर रहे हैं शायद, तो जो शादी वाला जो मैटर है कि अगर किसी के रहते हुए आपके जिंदा स्पाउस के रहते हुए जिससे अभी आपका तलाक नहीं हुआ है और आपने दूसरा विवाह स्थापित कर लिया है किसी के साथ, तो उसी सूरत में ये स्थिति पैदा होती है कि आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। वरना आप 2 या 3 लोगों के साथ संबंध बनाएं, उनके साथ जीवन व्यतीत करें, ये चॉइस, ये स्वतंत्रता शादी में रहते हुए भी आपको कोर्ट अपनी तरफ से प्रोटेक्टिव तरीके से यानी सुरक्षित तरीके से आपको पूरी की पूरी एक
परमिशन देता है और इसमें आपके स्पाउस के इंटरफेरेंस को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता, सिर्फ बजाय इसके कि आपका स्पाउस आपसे क्रूअल्टी मानते हुए तलाक ले सकता है। स्त्रियों को एक विशेष व्यवस्था और मिल जाती है क्योंकि क्रूअल्टी हुई है, तो उस वजह से उन्हें मेंटेनेंस मिल जाता है। परंतु अगर स्त्री इस तरह के संबंध में गई हुई है तो पति को सिर्फ एक फायदा ये मिल जाता है कि उसे मेंटेनेंस जो है वो नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग क्रूअल्टी मानी जाती है। परंतु अगर इसके अंदर किसी को सजा हो जाएगी, किसी के साथ गलत कुछ कार्रवाई कर दी जाएगी या कोई कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, तो इस तरह का कोई भी अल्टरनेट किसी भी कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कई सालों से नहीं दिया है। तो अपना दिमाग खुला कर लें, साफ कर लें, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई जेल नहीं होगी किसी भी तरह का, और तलाक लेने के अलावा कोई भी कार्रवाई आपका स्पाउस आप पे नहीं कर सकता। पत्नी है तो मेंटेनेंस बन जाएगा, पति है और वो भुगत रहा है आपके इस अनैतिक संबंध को या नाजायज संबंध को, तो वो भी मेंटेनेंस आपको देने के लिए लाइबल नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ क्रुएल्टी, नथिंग मोर देन दिस। यू कैन गो विद दिस काइंड ऑफ इनफिडेलिटी, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। सिर्फ ये है, क्या आपकी आत्मा इस बात की स्वीकृति देती है या नहीं, ये आपकी नैतिकता के ऊपर है कि संबंधों में रहते हुए क्या आप दूसरे संबंधों में जाना चाहेंगे या उस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपका स्पाउस दूसरे संबंधों में जाएगा, तो क्या इतना बड़ा दिल है आपका। सवाल सिर्फ नैतिकता का है, अन्यथा रास्ते सभी खुले हैं। थैंक यू।